जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आईशैडो कुछ ज्यादा ही लग रहा है ना, इसे थोड़ा टोन डाउन कर दीजिए ना, और लिपस्टिक का कलर थोड़ा लाइट होता तो ज्यादा अच्छी लगती। क्या लाइट लाइट कह रही है? अब तुम सुहागन हो, साज श्रृंगार के साथ रहा करो, अच्छे रंगीन कपड़े पहना करो, सज सज के रहा करो। और आज तो रिसेप्शन भी है, आप दुल्हन है, आपको तो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और ब्लशर लगा दूँ। नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, करने दो ना बेटा, हमसे तो ज्यादा ये समझती है। रोज दुल्हने तैयार करती है। और तुम जानती हो, नैतिक को तुम ऐसे बहुत पसंद आओगी, अपनी पत्नी को इस रूप में देखेगा तो बहुत खुश होगा, देखना। अरे नैतिक, तू अकेला क्यों घूम रहा है? और ये मजनू जैसा हाल? अरे मत पूछ यार, मुझे ही मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। और करो शादी, ये तो होना ही था। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तेरा कमरा तेरा नहीं रहेगा, तेरे घर वाले तेरे नहीं रहेंगे। अब तो भाई जो भी होगा बस भाभी के लिए ही हुआ करेगा, मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। बस तेरा दोस्त ही तेरा रहेगा, लेकिन आजकल तू उसे भी कहाँ पूछता है, पहचानता ही वो पक्के बेमिसाल यार। आज गए हैं तुझसे, बस बस बहुत हो गया, तुझे मौका मिले नहीं और तू शुरू हो जाता एटीट्यूड। जहाँ मौका मिला नहीं हाँ खाना शुरू। बोलता था बोलता रहा। आपको रश्मि दीदी और नंदिनी दीदी कब से बुला रही है, अब तक नहीं पहुंचे और वहाँ हमें डांट पड़ रही है। अब हाँ हम आ रहे हैं, चलो। ये लोग तुझे क्यों बुला रहे हैं? कुछ सीक्रेट बात? मैं तुझे क्यों बताऊं? प्लीज मत बता, अपनी बचकानी बातें ना अपने तक ही रख। हाँ बेटा, ऐसे तो मौसम भी नहीं बदलता जैसे तू बदल गया, अब तुझे हमारी बातें बचकानी लग रही है? तेरी शादी होगी ना, बाप बनने के दिन आ गए। ओके ओके, मैं तो जा ही रहा था, तू नहीं बुला लिया खामखा, तो जाना। अरे मुन्ना, तू कहाँ जा रहा है और ये क्या, अब तक तैयार नहीं हुआ? क्या करूं भाभी माँ, कोई कमरे तक जाने दे तब ना, मेरे कपड़े भी वही हैं और आपकी चहेती बहू को जो पहले तैयार होगी। अरे तैयार हो गई होगी, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाती हूँ। अरे वो नहीं आने देगी अंदर। क्यों नहीं? तो क्या हमारा मुन्ना मेहमान आने तक ऐसे ही घूमेगा? आ मेरे साथ मुन्ना, मैं तुझे ले जाती हूँ। भाभी माँ आ तो सही, अब मुन्ना तू भी। कहाँ थे अब तक? बिल्कुल टाइम नहीं बचा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है मुझे सब आता है, ये देखो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 क्या होता है? गाना कौन गाएगा? गाना गाएगा ना तुम्हारा पिटारा। जनाब आपको भी गाना पड़ेगा साथ में। नो वे, ये लीजिए, मैं गाऊंगा ना तो मैं सारे स्टेप्स भूल जाऊंगा, मैं अभी से कह रहा हूँ। मोहित एरोबिक्स नहीं है, 1 2 3 4 थोड़ा फीलिंग्स के साथ का, होंठ हिलाकर। होंठ हिलाकर, जिसने गाना गाया ना वो होंठ हिलाए, मैं ये सब स्टूपिड सी चीजें नहीं करने वाला प्लीज। मोहित तुम यही चाहते ना कि दादा और भाभी के लिए बनाया प्लान चौपट हो जाए?
नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और क्या, तुम जानबूझकर आज का फंक्शन बिगाड़ना चाहते हो? मोहित, देखिए मैं पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखे कह रहा हूँ, मुझसे ये सब एक्टिंग नहीं होगी, ये बहुत बेवकूफी लगती है। इसमें बेवकूफी नहीं है मोहित, तुम्हें पता है गानों में, गीतों में, कविताओं में, सब में एक फीलिंग छुपी होती है जिसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं। भले ही होंठ हिलाए पर लगता है हम खुद गा रहे हैं। जैसे कि जब भी मैं अपनी ये कविता गुनगुनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सफर में चली, मैं चली अपने सपनों की गली, जहां जाते हैं कदम वहीं है मेरा चमन। कोई रोको ना मुझे, मेरे उड़ते हैं कदम, जहां है पैरों तले झुके पैरों पे गगन। चली मैं अरमां की डगर, आई सपनों के नगर, आज मैं नाच गई, आज मैं झूम गई। मैं जब भी इसे गुनगुनाती हूँ तो मुझे ऐसी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मैं सचमुच नाच रही हूँ, झूम रही हूँ। ताकि मैं जानती हूँ कि मैं एक कदम भी बिना सहारे नहीं चल सकती, पर महसूस तो कर सकती हूँ कुछ पल के लिए ही सही, मेरी दुनिया बदल जाती है। देखा मोहित, ऐसे महसूस करते हैं गाने को, आप जो भी गाते हैं वो सच में हो रहा होता है आपके साथ। सच में आपको गाते हुए देख ऐसा ही लगा जैसे आप सच में झूम रही हैं, नाच रही हैं। सच्ची? ऊंची? सच दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगा। मुन्ना, तू फिर आ गया? माँ, मैं कपड़े लेने। अक्षरा तैयार हो रही है, तू उसके बाद हो जाना। इसे कौन सा मेकअप करना है? मैं गई उसे टोका, मेहमान आने को है, ये ऐसे ही घूम रहा है, इसके कपड़े दे दो ना, दूसरे कमरे में जाके बदल देगा। हाँ जी। अक्षरा बेटा, तैयार हो गई? ये क्या कर लिया आपने, इतना मेकअप, ये आपने बालों को क्या किया है? आप अक्षरा ही है ना? ठीक तो है, दुल्हन है बेटा, दुल्हन ऐसे ही सजती है। माँ, चेहरा देखा है, कितना मेकअप लगा दिया है चेहरे पर, अगर कोई बच्चा देख लेगा ना तो डर जाएगा। मुझे तो कोई जापानी गुड़िया लग रही है, अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ लिया आपने। इन्हें क्या हो गया? वो इन्होंने ही मेरा मेकअप करवाया था, इन्हें लगा शायद आपको अच्छा लगेगा। मुझे? इसलिए उसे बुरा लगा मुन्ना, तूने ही उसका मजाक उड़ा दिया। अब क्या करूं?
गुस्से में है। हाँ, पर उतर जाएगा। मैंने जैसे कहा है वैसे कर। जा, जा। छोड़ बेटा, काम कर लेते। मक्खन तो लगाने दीजिए। क्यों? मदद जो चाहिए। सच्ची माँ, अक्षरा को तो तैयार होना ही नहीं आता। अच्छी नहीं दिख रही वो। नहीं, मुझे तो हमेशा आप टिप टॉप दिखती हैं। कपड़े जेवर हमेशा सब सही। हर फंक्शन में, शादी ब्याह में लोग देखकर आपको तो इंप्रेस हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहने आया हूं कि आज हमारे घर में सबसे बड़ा फंक्शन है। मैं चाहता हूं कि सब यही कहें कि गायत्री अपनी तरह बहुत चुन कर लाई है। ये मेरे साथ साथ आपकी इज्जत का भी सवाल है ना। और फिर आप औरों की क्यों सुने जब आप जानती हैं कि कब क्या कैसे करना चाहिए, है ना माँ? आप अक्षरा को अपनी तरह तैयार करवा दीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि उनको पता है कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। मदद कर दीजिए प्लीज माँ। मेरी प्यारी माँ, चल देखती हूँ। माँ, आप जानती हैं आप कितनी कितनी अच्छी हैं। वर्षा, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। नैतिक जी को भी मेरा मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हंस रहे थे मुझ पे। मुझे रिसेप्शन में ऐसे नहीं जाना। अक्षरा देख, तू परेशान मत हो, ब्यूटिशियन को कह के ना थोड़ा सा मेकअप हल्का करा ले। ये मेकअप आंटी जी ने ही करवाया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मुझे ऐसा ही मेकअप पसंद है। देख तू परेशान मत हो, लगता है कोई आ रहा है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। तैयार हो गई? जरा देखूं तो। वैसे तो हमारी बहू इतनी सुंदर है कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं, पर आज फंक्शन है तो सजना तो पड़ेगा। पर हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो आई शैडो बदल दो और ब्लश ऑन भी लाइट कर, लिपस्टिक का शेड भी बदल दो और बाल बाल सिंपल ही रखना। ठीक है? ठीक है। मेरी बहू तो साफ भी नहीं सुंदर है। अरे बेटा, एक सुहागन को श्रृंगार करके रखना चाहिए। रंगीन कपड़े, गहने उसकी शोभा होते हैं। और हमारे नैतिक को भी यही पसंद है। तैयार करते
हैं मेहता जी और ये हैं इनकी श्रीमती राधे राधे कृष्ण। हमारे बहुत पुराने ग्राहकों में से एक है। भाई वाह, आपने तो चटमंगनी पर ब्याह कर दिया आपने बेटे का। अब तो आप लोग टेंशन फ्री हो गए। बस इसकी कृपा, आइए ना, आइए आइए आइए। नमस्कार। लड़की वाले आए नहीं अभी तक? ये लो जी आ गए। पधारिए संधि जी। राधे कृष्ण। अरे सुखी रहो सुखी रहो। मेहता साहब, ये हैं हमारी बहू के पिताजी, ये हैं माता जी राधे कृष्ण, और जय है हमारी बहू की दादी माँ, ज्ञान का सागर है। ये तो आपकी उदारता है राधे कृष्ण। जय है हमारी बहू की नानी जी, रीत रिवाज की बहुत पाबंद हैं। इनके और हमारे विचार कुछ मिलते से हैं। अरे मेरे तो भाग खुल गए हैं कि मेरी नातिन का ब्याह आपके परिवार में हुआ, यहाँ परंपरा को इतना मान दिया जाता है। नानी जी, भाग्य तो हमारे खुल गए हैं जो आप जैसे सुसंस्कृत परिवार की बिटिया हमारे घर की बहू बनी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।